गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है CBSE क्लास 9th, सब्जेक्ट हिंदी, अलंकार। डिस्क्रिप्शन, अलंकार के भेद या उदाहरण। तो आज अपना अलंकार के जो भेद या उदाहरण है उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अर्थालंकार, अर्थालंकार के निम्नलिखित उदाहरण है जिनमें पहला है रूपक अलंकार। काव्य में जहाँ उपमेय तथा उपमान के बीच एक रूपता दिखाकर दोनों के मध्य अभेद संबंध स्थापित किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। मतलब रूपक अलंकार में जो काव्य होगा उस काव्य में उपमेय तथा उपमान के बीच में एक रूपता होती है और उस एक रूपता के आधार पर अभेद संबंध स्थापित किया जाता है। मतलब भेद नहीं किया जाता है, दोनों को एक मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात रूपक में अत्यधिक सादृश्यता के कारण उपमेय उपमान के बीच एकता दिखाई देती है। आशय यह है कि रूपक में प्रस्तुत वस्तु उपमेय तथा प्रस्तुत वस्तु उपमेय में आरोपित कर दिया जाता है। आरोपित का मतलब वही अभेद संबंध से होगा, मतलब प्रस्तुत वस्तु उपमेय और अप्रस्तुत वस्तु जो उपमान होता है उनके बीच में अभेद संबंध स्थापित किया जाता है, वहाँ पे उस काव्य में रूपक अलंकार होता है। जैसे इसके उदाहरण है अंबर पनघट में डुबो रही तारा गुटूसा नागरी। तो यहाँ पे देखते हैं कि अंबर उपमेय है, पनघट उपमान, इन दोनों के बीच में अभेद संबंध है। इसी तरह से तारा उपमेय, घट उपमान, उषा उपमेय, नागरी उपमान है, तो इनके बीच में अभेद संबंध स्थापित किया जा रहा है। इसी तरह से अगला है तेरे नयन कमल बिनु जल के, तेरे नयन कमल बिनु जल के। तो नयन यहाँ पे उपमेय है, कमल उपमान है, उन दोनों के बीच में अभेद संबंध स्थापित किया जा रहा है। इसी तरह से अगला है किसले करे स्वागत हेतु इस हिला करते हैं। किसले यानी कि पत्ते, किसले यहाँ पे उपमेय है, कर यानी हाथ, ये उपमान है, तो पत्तों को हाथ के समान बताया गया, तो मतलब अभेद संबंध स्थापित किया जा रहा है किसले और कर के अंदर। ऐसे ही मन सागर मन सा लहरी बूढ़े बहे अनेक, यहाँ पे मन सागर, मन सागर में मन उपमेय, सागर उपमान है, इन दोनों के बीच में अभेद संबंध है। इधर देखते हैं मन सा लहरी, मन सा मतलब मन इच्छा, ये उपमेय है और लहरी उपमान है, इन दोनों के बीच में अभेद संबंध स्थापित करने की वजह से उपमेय ये रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि उपमेय और उपमान जो होता है उन दोनों के बीच में समान गुणधर्म के आधार पर संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात यदि काव्य में उपमेय तथा उपमान के बीच समान गुणधर्म के आधार पर संभावना व्यक्त की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए मानो मनु मनव हूँ जनव हूँ यथा जनु जो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं, इनके द्वारा संभावना प्रकट की जाती है। जैसे इसके उदाहरण है लट लटकनी मनु मधु मत मधुपकन मादक मदही पिए। तो इसमें लट लटकनी मनु मत मधुपकन मादक मदही पिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। इसी तरह से मनहु नीलमणि सेल पर आता पढ़ो प्रभात। ये दोनों उदाहरण जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इनमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। उत्प्रेक्षा अलंकार के निम्न तीन भेद होते हैं वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा, इस प्रकार से ये उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। पहला वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय वस्तु में उपमान वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु तो दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे प्राण प्रिया मुख जगमगे नीले अंचल चीर, मनोह कला निधि झलमले कालंदी के नीर। इसमें एक वस्तु प्राण प्रिया का मुख है, उसमें दूसरी वस्तु कलानिधि की संभावना व्यक्त की जाते हैं और नीले अंचल चीर में कालंदी के नीर की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए इसमें वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरा हेतु उत्प्रेक्षा, काव्य में जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाती है,
मतलब जो कारण है ही नहीं उसको कारण मान लिया जाता है, वहाँ पर हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे मनोहू कठिन आंगन चली ताते राचे पाए, इसमें जो कारण है ही नहीं उसको कारण माना जा रहा है कि जो सुकुमार स्त्रियाँ होती हैं उनके पैर स्वभाव से ही लाल होते हैं, ये कारण होता है। लेकिन इसमें यह माना गया है कि उसके जो लाल पैर हैं वो कठिन आंगन पर चलने की वजह से रचे गए हैं, जो कारण है ही नहीं। अगला है फलोत्प्रेक्ष अलंकार। है फल में फल की संभावना की जाए, अर्थात फल उद्देश्य है ही नहीं उसे फल या उद्देश्य मान लिया जाता है, वहाँ पर फलोत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे नित्य ही नहाता शीर्ष सिंधु में कलादर है, सुंदर तपावन की समता की इच्छा से। तो ये तीन प्रकार के अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार हुए, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलों उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट अलंकारों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।